बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट हिना आमिर और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही स्पेशल सा प्रोग्राम ब्रास टैक्स। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पीआईए ट्रेनिंग सेंटर में और मेरे साथ हमेशा की तरह एज यूजुअल मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट एनालिस्ट ज़ैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पिछले 4 वीक से हमारे प्रोग्राम में एक मखसूस मौजू पर चल रहा है जिसका आज लास्ट शो है और प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो एक्चुअली जो आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एक इश्क एक जुनून, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है वाकई एक इश्क एक जुनून और लाखों कुर्बानियों का नतीजा है। इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे ज़ैद हामिद साहब। जी ज़ैद साहब, 1930 में जब अल्लामा इकबाल ने पहली मरतबा इस ख्वाब का इजहार अपने दोस्तों के सामने किया कि हम इस बर्रे आजम में से एक हिस्सा निकालकर एक मुसलमानों की एक रियासत बनाते हैं, तो एक नाकाबिले यकीन कैफियत थी। लोगों के लिए मुमकिन नहीं था यह तसव्वुर करना कि वो मुसलमान जो बिल्कुल मुंतशिर हो चुके हैं, जिनके आगे जिनके पास कोई क़यादत नहीं है, जिनके पास कोई फिक्री नजरियाती सोच नहीं है, जिनके पास कोई फौजी ताकत नहीं है, कोई माशी ताकत नहीं है, ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ तो अंग्रेज साम्राज्य है कि जिसके ऊपर सूरज गुरूब नहीं होता और दूसरी तरफ हिंदू सेहोनी है कि जो अब ये ख्वाब देख रहे हैं कि पहली जंग अजीम में चूंकि बर्ताजे बर्तानिया को शदीद चोट आ चुकी है तो आने वाले वक्तों में क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए, और ये तसव्वुरात कि अब आइंदा आने वाले दौर में पहली मरतबा हिंदुओं को मौका मिलेगा कि 1000 साल की गुलामी के बाद हिंदुस्तान पर दोबारा अपनी हुकूमत कायम कर सकें। तारीख के कुछ अपने मुद्दे होते हैं, कौमों के रूज जवाल के कुछ ऐसे दौर होते हैं कि जो इंसानों की अकलों से मावरा होते हैं, बुलंद होते हैं, बाला होते हैं। यह तारीख की एक इंपॉसिबिलिटी थी। अगर आप 1400 साल की मुस्लिम तारीख को उठा के देखिए तो उससे ज्यादा जवाल मुसलमानों को कभी नहीं आया कि जब यह दौर 20वीं सदी का आगाज था, और इसके अंदर एक तारीख एक इम्पॉसिबल करवट लेती है कि नामुमकिनात एक वजूद में आते हैं कि अल्लाह ताला अल्लामा इकबाल को हमारे वजूद में भेजते हैं, हमारे दरमियान भेजते हैं। यकी मौकम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम जहाद जिंदगानी में ही मर्दों की शमशीर है। उस कौम को पैगाम दिया जाता है कि अपनी तकदीर पर, अपनी डेस्टिनी पर, अपनी मिराज पर, अपने उरूज पर शक नहीं करना। एक इश्क और एक जुनून की कैफियत उस कौम में पैदा की जाती है जो इस हद तक मायूस हो चुकी थी कि जहां उसके पास और खिलाफत का मरकज बिखरे हुए भी चंद बरस ही गुजरे होते हैं, उससे ज्यादा तारीखी उम्मत मुस्लिमा ने कभी नहीं देखी होती। उसको कहा जाता है सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, अब लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये नामुमकिनात हो रहे हैं। ये जो उस वक्त आज बरतानिया पर सूरज गुरूब नहीं हो रहा तो उस वक्त कहा जा रहा है कि एजाज है किसी का या गर्दिश जमाना, टूटा है एशिया से सहरे फरंगिया। और सिर्फ मुसलमान कौम नहीं, कायदे आजम भी नाकाबिले यकीन कैफियत में थे। कैसे हो सकता है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, और हिंदुस्तान छोड़कर चले जाते अपने ख्वाब को दिखाने के बाद उसकी तकमील के लिए। अल्लामा इकबाल उनके पीछे पीछे विलायत जाते हैं, घंटों महीनों वक्त सर्फ करते हैं कायदे आजम पर और बिलाखिर उन्हें राजी कर लेते हैं, समझा देते हैं, वो रोशनी दिखा देते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम बनाने के लिए हिंदुस्तान वापस लाना जरूरी है। वो जो ख्वाब देखा है उस दीवाने ने, उस जुनूनी ने, उस आशिक ने, उस ख्वाब की तकमील के लिए एक कमांडर इन चीफ की जरूरत है। देखिए, जब किसी माशरे में, किसी तहजीब में, किसी कल्चर को तब्दील करना होता है तो एक कल्चर क्रिएटर की जरूरत होती है, हमारी कॉरपोरेट इन्वायरमेंट हो या कौमों के रूज जवाल हो, हमेशा एक कल्चर क्रिएटर होता है, एक वजूद जो अपने अतराफ में, अपने आसपास में पूरी कौम को हिला के रख देता है, जिस पर इस कौम का इतना अंधा एतबार होता है कि जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिना फ्रंटियर के आजाद इलाके में जाकर पश्तून कबाइल से अंग्रेजी में तकरीर करते हैं और कबाइलियों से पूछा जाता है कि ये क्या कह रहे हैं, तो कहते हैं एक लफ्ज समझ में नहीं आ रहा, मगर ये हम कसम खा के कहते हैं कि जो कह रहा है वो सच कह रहा है। जब यह एतबार होता है उस क्यादत के ऊपर, यह क्यादत इसके अंदर जो उसको जो इग्नाइट कर दिया जाता है, जो उसको भड़का दिया जाता है, जो उसमें एक इश्क की आग भड़का दी जाती है, जलाई जाती है, उस आग को जलाने वाले अल्लामा इकबाल। कायदे आजम को पाकिस्तान हिंदुस्तान लेकर आते हैं, कौम उनके हवाले करते हैं,
और उसके बाद मुसलमानों को उनकी तकदीर उफक के उस पार दिखाते हैं कि जो उस वक्त भी मुसलमानों के लिए नाकाबिले यकीन और थी नाकाबिले यकीन। 1935 में तो मुसलमान शिकस्त खा चुके थे, लेकिन थोड़ा सा फितरत की तरफ से, कुदरत की तरफ से पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड खुद कांग्रेस ने दिया कि जब 1935 से 1939 के दरमियान उन्होंने मुसलमानों के साथ जो मुसलमानों की जड़ उखाड़नी शुरू की, जो शुद्धि तहरीक चलाई, जो मुसलमानों की अजानों पर पाबंदी लगाई, जो गाय की कुर्बानी पर पाबंदी हुई, जो मुसलमानों को बंदे मातरम पढ़ने पर कहा गया, उर्दू जबान पर पाबंदी लगी, संस्कृत का हुक्म दिया गया, जब मुसलमानों की पूरी तहजीब को सिर्फ इस 4 साल के अरसे में मिटाने के लिए जो एक खौफनाक तहरीक चली, अब मुसलमानों को यह होश आया कि जो ख्वाब अल्लामा इकबाल देख रहे थे, आने वाले दौर की धुंधली सी तस्वीर दिखा रहे थे, वो हकीकत में अब ख्वाब नहीं होगा, एक आने वाली तकदीर होगी जिसको हम पत्थर की लकीर पर अपने खून से लिखेंगे। 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन कायदे आजम के अल्लामा इकबाल के इंतकाल के 2 साल के बाद होती है, मगर यह वो वक्त होता है कि जब मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम बन चुके हैं, कौम बेदार हो चुकी है, अपनी तकदीर अल्लाह के आगे पेश करके उस पर फैसला सब करा लिया गया कि हम पाकिस्तान बना के रहेंगे और जो भारी कीमत हमें देनी पड़े हम देंगे, और दी हमने। 40 लाख मुसलमान कम कीमत नहीं है, 2.5 लाख बहने पीछे छोड़ाई कम कीमत नहीं है, तारीख इंसानियत में, तारीख इस्लाम में हमने इतनी भारी कीमत कभी नहीं अदा की इतने मुख्तसर अरसे में। जो 1946 और 1947 के दरमियान इतनी भारी तादाद में मुसलमान कुर्बान किए गए, मगर पाकिस्तान जो हमें मिला, जिस पाकिस्तान में हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था, एक ईमान और जुनून और यकीन की कैफियत हद तक जिस पाकिस्तान के लिए उन्होंने हर कीमत अदा की, उस पाकिस्तान को उस वक्त से तोड़ने के लिए साजिशें की जा रही थी। जब ये पाकिस्तान बनने लगा तो उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत ने अपने आप को ये टारगेट दिया था कि चंद माह से ज्यादा ये मुल्क नहीं चल पाएगा। ब्रिटिश एम्पायर ने इस बात का पूरा इत्मीनान कर लिया था कि पाकिस्तान ना अपना दिफा कर सके, ना अपने पैरों पर खड़े हो सके, और ना इस मुल्क की कोई इकतसाद हो, ना मईशत हो, ना दिफा हो। 40-50 लाख महाजरों का बोझ, कोई इंडस्ट्री इस पाकिस्तान में नहीं। जो मुसलमान दस्ते दूसरी जंग अजीम के बाद पूरी दुनिया में बिखरे हुए थे, उन दस्तों को वापस नहीं बुलाया गया। उससे पहले सिख, हिंदू, गुरखा रेजिमेंट्स को वापस बुलाया गया कि वो सारी सिक्योरिटी ड्यूटीज इनके पास हो। नतीजा यह हुआ कि पूरे ईस्ट पंजाब के 80,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में एक मुसलमान जिंदा नहीं बचा, क्योंकि सिखों और हिंदुओं के साथ साथ गुरखा, डोगरा और सिख रेजिमेंट्स भी मुसलमानों को जिबा करने में लगी हुई थी। जैसा साहब, आपको बीच से इंटरप्ट करूंगी, लेकिन इस वक्त टाइम हो गया, ब्रेक का एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और फिर से आपकी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पीआईए ट्रेनिंग सेंटर में, मेरे साथ मौजूद हैं जैद साहब, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जी जैद साहब, पाकिस्तान, लोग आज ये बात करते हैं कि हिजरत तो दोनों तरफ से हुई, यहां से भी लाखों लोग उस तरफ गए और वहां से भी लाखों आए, दुरुस्त, मगर ये कोई नहीं बताता कि पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेन भी नहीं काटी गई थी। ये कोई नहीं बताता कि पाकिस्तान से जितने हिंदू यहां से निकलकर गए, अपने खजाने, अपनी दौलतें, अपनी मालो दौलत को अपनी थैलियों में, पोटलियों में भर के लेके गए, और कोई एक वाकया कोई बता दे कि रावलपिंडी से लाहौर या लाहौर से अमृतसर के दरमियान कोई मुसलमानों ने ट्रेन काट दी हो, जबकि हमारे जुनूनी और दीवाने मुसलमानों का हाल यह था कि पाकिस्तान की पुकार में एक के पीछे एक करके ट्रेनों में जाते थे और हर ट्रेन काट दी जाती थी, और ये जानते थे कि अगली ट्रेन काटेगी। अपने बुजुर्गों से पूछेगा, जो बुजुर्ग है उन्होंने देखा अपनी आंखों से ये कि लाहौर के रेलवे स्टेशन पर सिर्फ लाशें उतारने का काम किया जाता था और शायद ही कोई मुसाफिर जिंदा निकलता था बीच, और सिर्फ वो ट्रेन बच के आई हैं जिनमें चंद एक मुसलमान सिपाही बलूच रेजिमेंट के या पंजाब रेजिमेंट के होते थे उसकी हिफाजत के लिए, वरना ट्रेनों के महाफिज भी सिख, ड्राइवर भी डोगरे और हमला करने वाले भी हिंदू, और फिर वही होता था जो कटा फटा पाकिस्तान पहुंचता था। यहां अंग्रेज फौज ने यहां से जाने से पहले बाकायदा एक प्लानिंग के तहत खुद कराची में बाकायदा जहाज भर भर के एमुनेशन और असला ले जाके समुद्र में डंप किया गया ब्रिटिश आर्मी की तरफ से कि आने वाली पाकिस्तानी फौज के पास कोई असला ना हो। हमारे पैसे रोक लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, और तवील अरसे तक पाकिस्तान को कोई रकम पाकिस्तान के हिस्से की नहीं दी गई। जो पाकिस्तान के हिस्से का सोना भेजा गया वहां से, उस वक्त क्योंकि स्टेट डिसऑर्गेनाइज थी,
कराची एयरपोर्ट पे पूरा सोना ही गायब कर दिया गया। पाकिस्तान के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उस सूरत हाल में कायदे आजम मोहम्मद अली जिना, जब इनको मालूम होता है कि भारतीय फौजें कश्मीर में दाखिल हो गई हैं, जनरल लॉकर लग को हुक्म देते हैं, उस वक्त कमांडर इन चीफ ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे, जाओ कश्मीर में मुसलमानों के शहर आ गई है, पाकिस्तान के शहर आ गए, विल फाइट फॉर कश्मीर टू द लास्ट ब्लड वी हैव, औकनले गद्दारी करता है, इनकार कर देता है। कायदे आजम उसको बाईपास करते हैं और फ्रंटियर से मुजाहिदीन को बुलाते हैं, चित्राल से स्काउट्स आते हैं और जो कुछ फौज जमा हो सकती है उसके साथ कश्मीर पर काउंटर अटैक किया जाता है उसको रिकैप्चर करने के लिए। और जब तक जिंदगी कायम रहती है 14 माह तक कश्मीर में जिहाद जारी रहता है उसको आजाद कराने के लिए। एक ऐसा मुल्क जिसके पास खाने को नहीं है, कैफियत यह होती है कि सरकारी दफातर टेंट्स में होते हैं, टेंटों में लगा के दफ्तर बनाए जाते हैं, लकड़ी के क्रेटों के ऊपर बैठ के हमारे ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान की तकदीर और तारीख बनाते हैं, सिगरेट की पन्नियों के पीछे सरकारी खतूत लिखे जाते थे, कागजों को जोड़ने के लिए दरख्तों के कांटों से जोड़कर पेपर बनाया जाता था, कागजों को जोड़ा जाता था और उसके बाद सरकारी कॉरेस्पॉन्डेंस होती थी। मगर उस वक्त कयादत पूरी कौम, किसी ने इस वक्त हुकूमत वक्त से कायदे आजम से यह नहीं कहा कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा कर दीजिए, किसी ने यह नहीं कहा कि आपने तो हमसे वादा किया था कि पाकिस्तान में तुमको सब कुछ मिलेगा और हमें तो यहां सिर्फ अपने रोज के सर्वाइवल के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। उस वक्त किसी ने जुलूस इस बात पे नहीं निकाले कि हमें खाने को नहीं मिल रहा, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। सबको एक जुनून था इस पाकिस्तान पर अपने जान और माल को कुर्बान करना और हिंदुओं को गलत साबित करना है कि यह पाकिस्तान कायम नहीं रह सकता। हमारे पास ना कोई फौज थी ना इकॉनमी थी, लेकिन उस यकीन के साथ कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती, यह मुल्क कायम रहने के लिए बना है और इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहेगा, यह बिलीफ मुसलमानों में उस वक्त दाखिल कर दिया गया था, वो गैरत, वो जुरत, वो दिलेरी, वो ऑनर कि मुमकिन नहीं है कि जिस मुल्क को हमने अपनी कुर्बानियों के साथ बनाया अब किसी की साजिश से इसको खत्म कर दिया जाए। हमने ये थीम एक जुनून शुरू इसलिए की है कि हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी हैं आज ये इमानत हमारे पास है। जब तक किसी भी माशरे में, किसी भी सोसाइटी में उसके आला तरीन अफराद रोल मॉडल न बने, अनलेस दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, उस वक्त तक उस माशरे में तब्दीली नहीं आएगी। एक एक शख्स अपने महकमे में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने वजूद में इंकलाब बर्पा कर सकता है। एयर मार्शल नूर खान, हमारे दिन की तस्वीर आपके गैलरी में लगी हुई है, 1965 की वॉर में पाकिस्तान एयरफोर्स को इंडिया में जाके बॉम्बिंग रन कर रहे थे कश्मीर में और बहुत मुश्किल ऑपरेशन थे वैलीज के अंदर जाके और हमारे पास बॉम्बर्स नहीं थे तो इस काम के लिए C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करना था। और जो पहला बॉम्बिंग मिशन गया है पाकिस्तान एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ एयर चीफ मार्शल नूर खान पायलट के साथ कॉकपिट में बैठ के उस सबसे खतरनाक बॉम्बिंग रन पर साथ जाते हैं और उस वक्त टेंशन का यह आलम होता है कि हम घुप अंधेरे में लाइट्स ऑफ करके C-130 श्रीनगर के ऊपर क्रॉस कर रहा है, वैलीज में बॉम्बिंग रन हो रहे हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स का कमांडर इन चीफ कॉकपिट में, और उस वक्त खामोशी से वो खड़ा होकर अपने पायलट को सिर्फ यह देख रहा होता है, एम आई नॉट डिमांडिंग टू मच फ्रॉम माई मैन, क्या मैं अपने लोगों से कुछ जरूरत से ज्यादा तो डिमांड नहीं कर रहा, उनकी सलाहियत से ज्यादा डिमांड तो नहीं कर रहा। और जब वो बॉम्बिंग रन सक्सेसफुल होता है, जहाज लैंड करता है, ऑर्डर देते हैं मोर रन्स, अब जाओ, मैं खुद टेस्ट कर चुका हूं इसको। और उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने 65 में जो परफॉर्म किया अल्लाह के फजल से वो हमारे सामने। व्यूअर्स इस वक्त टाइम हो गया एक ब्रेक का, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, डोंट गो अवे। वेलकम बैक, और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जी जैद साहब, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जब शुरू किया गया इस कह दिया गया था कि इम्पॉसिबिलिटी है, बनाना नामुमकिन है, कैन नॉट बी डन, दुनिया का कोई मुल्क हमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं देगा, हमारे पास पढ़े लिखे साइंटिस्ट नहीं है, पूरी दुनिया में तमाम जगहों पे मुसलमान पाकिस्तानी साइंटिस्ट को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में दाखिला ही नहीं मिलते यूनिवर्सिटीज में, हमारी यूनिवर्सिटीज ऑफर ही नहीं करती, ना हमारे पास रिसोर्स है, ना वसाइल है, मुल्क टूटे हुए अभी 2 साल हो चुके हैं, एक इम्पॉसिबल है, कैन नॉट बी डन। लेकिन उस वक्त के साइंसदानों ने कहा
वी विल डिलीवर टू यू, विल डिलीवर टू द नेशन इंशाल्लाह, हमें सिर्फ इजाजत दे दीजिए। यह कहा गया उनसे कि खतरा इस बात का है कि अगर तुम दुनिया में जाओगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर मटीरियल को हासिल करने के लिए और पकड़े गए तो हुकूमत पाकिस्तान डिनाई कर देगी, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ेगा। विल टेक द रिस्क, विल सैक्रीफाइस आर सेल्फ, डू नॉट क्लेम अस, डू नॉट प्रोटेक्ट अस इन कोर्ट्स, कोई हमें आके ना बचाए। हमको यह तारीख, क्योंकि हमारी खुफिया तारीख है, इसको बताया भी नहीं गया अभी तक अपनी कौम को। सैकड़ों बच्चे हमारे तारीख राहों में मारे गए जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बाहर गए थे, कोई तालीम हासिल करने गया, कोई इक्विपमेंट खरीदने गया, दे नेवर केम बैक, वी डोंट नो देयर नेम्स। लेकिन किसी ने, किसी के पीछे रह जाने वालों ने यह नहीं कहा कि हमें इस मुल्क ने क्या दिया, हमारे बड़ों ने यह सवाल नहीं किया कि हमें इस मुल्क ने क्या दिया। सबने यह सवाल किया कि मेरी जान माल इज्जत आबरू इस मुल्क पर कुर्बान हो जाए तो यह मेरे लिए सस्ता सौदा होगा। टुडे विद इन 5 ईयर्स वी हैड द फ्यूल इनरिचमेंट कैपेबिलिटी, विद इन 8 ईयर्स वी हैड द वेपन, विद इन 10 ईयर्स वी हैड द डिलीवरी मैकेनिज्म। हिस्टोरिक इम्पॉसिबिलिटी कि 10-15 साल के अरसे के अंदर अंदर पाकिस्तान दुनिया के सफे पे, नक्शे पे एक एटमी ताकत बनकर उभरा। जुनूनियों, दीवानों, आशकों और हमारे प्रोफेशनल्स और टेक्नोक्रेट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट जिन्होंने एक इम्पॉसिबल, हिस्टोरिक इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी कि वो पाकिस्तान जो 71 में टूट गया था आलम इस्लाम की अजीम तरीन कुवत के तौर पर 10 साल के अंदर उभर जाता। यह हुकूमत वक्त ने नहीं किया, हुकूमत वक्त ने तो सिर्फ फंड रिलीज किए, क्रेडिट जाता है उनको, लेकिन डिलीवर करने वाले प्रोफेशनल्स थे, टेक्नोक्रेट्स थे, साइंसदान थे हमारे। I remember a time when PIA was considered as the best airline in Asia. दुनिया के तमाम ममालिक के लोग PIA से मशवरे लिया करते थे। कई मुल्कों की जो एयरलाइंस हमने रेस की, हमारे पायलट्स पूरी दुनिया में सर्व करते थे जाकर। फिर हम यहां भी कैजुअल हो गए। लेकिन ये वक्त ही इश्क और जुनून का है। एक शानदार मुस्तकबिल इस पाकिस्तान का सामने रखा हुआ है, एक अजीम तरीन तारीख हमारे आगे हमारे लिए लिख दी गई है। सिर्फ खुशनसीब होंगे वो लोग कि जो उस पाकिस्तान पर सब कुछ कुर्बान करके उस तारीख को हासिल करते हैं जिस तरह हमारे बड़ों ने पाकिस्तान हासिल किया था। हम आपको साफ साफ बता रहे हैं जो इस खित्ते का पोटेंशियल है, जो इस खित्ते के खजाने हैं, जो इस खित्ते में हीरे बिखरे हुए हैं, इसके अफराद की शक्ल में, इसके साइंसदानों की शक्ल में, इसके इंजीनियर और टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल की शक्ल में, ये उम्मत की आबरू है, इस उम्मत की आबरू है। आप लोग आला तरीन तालीम याफ्ता कौम जिसके पास जो सलाहियत, जो वसायल है, और जब अल्लाह ताला ने ये वसायल और सहूलतें, करम और फजल हम पर किया है तो उससे खयानत नहीं कीजिएगा कभी, इस पाकिस्तान से खयानत ना कीजिएगा कभी। यही PIA दोबारा, यही रेलवेज, यही वापडा, यही तमाम हमारे इदारे कि जो आज बात की जा रही है कि इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, व्हाइट एलिफेंट्स बने हुए हैं, 2 साल के अरसे में ही आसमानों की बुलंदियों को छू रहे होंगे, सिर्फ अगर हम यह फैसला कर लें कि इस पाकिस्तान पर अपनी जान माल इज्जत आबरू कुर्बान, इसको नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। हमारा सबसे बड़ा इश्यू यही है, इनकॉम्पिटेंसी और करप्शन। जो लोग इनकॉम्पिटेंट हैं, बहुत से लोग हैं जो करप्ट नहीं है लेकिन वो इनकॉम्पिटेंट है, और बहुत से लोग हैं जो हाईली कॉम्पिटेंट हैं लेकिन करप्ट हैं। हमें सिर्फ एक बेसिक कॉम्बिनेशन चाहिए, एक ऐसा शख्स जो ना इनकॉम्पिटेंट हो ना करप्ट हो, और ऐसे लीडर्स चाहिए कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तरह जो यकीन मोकम, अमल पहम और मोहब्बत फातह आलम पर। एक शख्स ने सिर्फ विजिटिंग कार्ड भेज दिया कायद आजम के पास जिस पर लिखा हुआ था ब्रदर ऑफ कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, और कायद आजम ने उस कार्ड को देख के फाड़ दिया और अपने ADC से कहा कि आइंदा से कहना अपनी शक्ल ना दिखाए मुझे। क्या यह जरूरत है किरदार कहां से लाएंगे? और एक शख्स जो ये जरूरत है किरदार अपने अंदर ले आएगा वो कौम की तकदीर तब्दील कर देगा। ये एक डिपार्टमेंट के लेवल पे भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी हो सकता है, और एक कौम के लेवल पे भी हो सकता है। यही कौम थी, यही डिसऑर्गेनाइज पाकिस्तानी कौम थी जिसने जुनून की हद तक जब फैसला कर लिया हमारे साइंसदानों ने, इंजीनियर्स ने, प्रोफेशनल्स ने कि हमने एटम बम इस मुल्क को देना है, न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबिलिटी देनी है, वी डिलीवर्ड इन लेस देन 10 ईयर्स।
यही पाकिस्तानी कौम है कि जब मोटरवे पर जाती है तो माशाल्लाह लाइन भी फॉलो करती है, इंडिकेटर भी देती है, और वही मोटरवे पुलिस है जो करप्ट नहीं है। एक जुनून चाहिए होता है, एक प्यार चाहिए होता है। यू आर द फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट विच दिस कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड। इसकी लाज रखिएगा, इस मुल्क के साथ खयानत नहीं कीजिएगा। एक कसम खा लीजिए कि जिस महकमे जिस इदारे में आप हैं, दो साल के अरसे में उसको उरूज पे पहुंचाना है। ये क्यों कैसे हो सकता है कि इसको जब मुल्क के असासे बेच दिए जाएं प्राइवेट हाथों में तो वो तो प्रॉफिट कमाए, लेकिन जब ये खजाने मुल्क के पास होते हैं तो नुकसान में होते हैं? कैसे हो सकता है? हमने अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को तो प्राइवेटाइज नहीं किया, लेकिन उसने तो डिलीवर किया। हमने मोटरवे तो प्राइवेटाइज नहीं की, लेकिन वो तो डिलीवर कर रही है। सैकड़ों ऐसे छोटे छोटे इदारे हैं जो अपनी इस्तेदात और बसात से ज्यादा परफॉर्म करके कौम को दे रहे हैं। इस पाकिस्तान के हवाले से आने वाले वक्तों में खुशखबरियां हैं। इसको अपने आप को उन खुशखबरियों का हिस्सा बनाइएगा। मरहूम अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि ये पाकिस्तान सोलह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की तरह है। जिसने इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, अल्लाह उसके दो जहान तबाह बर्बाद कर देगा, और जिसने इस पाकिस्तान पर अपनी जान माल खर्च किया, अल्लाह उसकी दो जहानों में रहमतें फरमाए। कायद आजम मोहम्मद अली जिना मुफ्त काम करते, डेढ़ रुपए तनख्वाह। आज हमारे ये अरबपति एमएनएस एमपीएस वुजरा हुक्मरान, इनको शर्म नहीं आती मुल्क की खजाने के साथ ये क्या करते हैं? अपनी जात में इस मुल्क को दीजिए। अगर आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए है तो 50,000 का काम कीजिए, इस मुल्क को दें, इससे ले नहीं। ये हमें बहुत दे चुका है, हमारी इज्जत हमारी आबरू इसके साथ। पूरी दुनिया चले जाइए, बेहतरीन से बेहतरीन घर और गाड़ियां मिलेंगी, इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत यही है, इसी मिट्टी में हमने उठना है, इसी मिट्टी से दफन होना है। यहां इसी की खुशबू है जो हमें वो इज्जत देती है, वकार देती है, वो गैरत देती है जो हम हैं। हम यहां पर अपनी गुफ्तगू को रोकेंगे, लेकिन आपसे सवाल लेंगे, जो चाहें पूछें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह उसको तबाह बर्बाद करे जो उस पाकिस्तान से खयानत करता है, और अल्लाह उस पर रहमतें करे जो इस पाकिस्तान के साथ प्यार करता है। जज़ाकअल्लाह खैर। आप लोगों ने देखा और सुना कि जिस तरह से ज़ियाद अहमद साद ने तहरीक पाकिस्तान और जद्दोजहद पाकिस्तान और उसके बाद न्यू बॉर्न पाकिस्तान के हवाले से रोशनी डाली है, शायद ही हमने किसी बुक में भी इस तरह पढ़ा हो। इस वक्त हम लोग एक सवालों जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे अपने ऑडियंस के साथ, लेकिन इस वक्त टाइम हो गया एक ब्रेक का, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, डोंट गो अवे। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले ज़ियाद अहमद साहब जो है बात कर रहे थे तहरीक पाकिस्तान पे, जद्दोजहद पाकिस्तान पर, और इस वक्त जो है वक्त हो गया है सवालों जवाब के सिलसिले का। हम ऑडियंस में से आप लोग अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं जो भी क्वेश्चंस करना चाहें, अब आप लोगों को माइक जो है वो दे देंगे। आपने शुरू में अल्लामा इकबाल का जिक्र किया जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में एक शेर कहा है, और वो शेर ये है कि अपनी कौम को कयास अकवाम मगरब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हमारे ऑडियंस को आप ये बताइए, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कि कौम और उम्मत में क्या फर्क है? ना मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कायदे आजम ने ये कुर्बानियां देकर मुल्क बनाया, लाखों इंसान इसमें कटे, वही कायदे आजम अपनी फर्स्ट मेडन स्पीच में ये कहते हैं कि इस मुस्लिम लीग में सारे खोटे सिक्के हैं और ये मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, इस पे आपका क्या ख्याल है? देखिए, जब पाकिस्तान नहीं बना था उस वक्त हमारे पास तो कोई हुकूमत नहीं थी, ना हमारे पास रियासत थी, हमारे पास सिर्फ एक आइडियोलॉजी थी, नजरियात। जब कायदे आजम ने यह कहा कि पाकिस्तान तो उस वक्त बन गया था जब हिंदुस्तान में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था, तो पाकिस्तान का जोग्राफिया 1400 साल में तब्दील होता रहा है। पहले पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क था जब मोहम्मद बिन कासिम उतरे यहां पर, फिर ये पाकिस्तान मुख्तलिफ जोग्राफिया तब्दील होता रहा और एक वक्त पूरे हिंदुस्तान में फैल गया।
और फिर पाकिस्तान सिमट के 1947 के बाद दो हिस्सों में बना, फिर उस दो हिस्सों में से भी एक हिस्सा हमारा अलग जरूर हो गया, लेकिन पाकिस्तान इस खित्ते में उस वक्त से कायम है जब यहां पहला मुसलमान दाखिल हुआ था। पाकिस्तान मदीने सानी है, दूसरा मदीना है, एक दूसरी नजरियाती रियासत जो अल्लाह रसूल के नाम पर बनाई गई है। और अल्लामा इकबाल ने जब यह फरमाया था कि जो शेर आपने फरमाया कि खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, हमारा मगरिब से कोई वास्ता और ताल्लुक नहीं है, उनकी कौम और होती है, हमारी कौम और होती है, उनकी कौम जोग्राफिए से होती है, हमारी कौम अकीदे से होती है, उनकी वतन और है, हमारा वतन और है, उनका वतन उनके अकीदे और उनके नजरियात पर हावी होता है, हमारा वतन हमारे नजरिए और अकीदे के तहत होता है। हमारे नजदीक सोहेब रूमी भी हैं, सलमान फारसी भी हैं, बिलाल हबशी भी हैं, लेकिन वो सिर्फ उनकी शनाख्त के लिए, तासुब के लिए नहीं है। और ये कौम जब बनाई गई थी, जब कुर्बानियां दी गई थी, तो सिंधी, बलोची, पठान, महाजर और कश्मीरी के लिए नहीं दी गई थी। जब हिंदुओं ने काटा था हमें, तो ये नहीं पूछा था कि तुम शिया हो के सुन्नी हो, सिंधी हो के बलोची हो के महाजर हो के पठान हो, उन्होंने हमें इसलिए काटा था कि तुम मुसलमान हो। और आज भी हमारा दुश्मन हमें इसलिए काटेगा कि हम मुसलमान हैं। और जो सिरका डालने की कोशिश करता है इस कौम में, जो सूबाइयत की बात करता है, इलाकाइयत की बात करता है, लिसानियत की बात करता है, मजहबी और सियासी तफरकाबाजी की बात करता है, अल्लाह उसके रसूल और मलाइका और मोमिनीन की बदतरीन लानत हो उसके ऊपर कि वो खयानत करता है इस उम्मत के साथ, अल्लाह उसके रसूल के साथ और इस पाकिस्तान के शोदा के साथ। हम लोगों ने गलतियां की हैं पाकिस्तान बनने के बाद, हमें उसकी चोट भी लगी है, लेकिन कौमों को चोटें लग जाती हैं, कोई आसमान नहीं गिर जाता इससे, लेकिन कौमों को अपने कौम पर खड़ा भी, पैरों पर खड़ा होना पड़ता है, फिर अपनी गलतियों के कफारे अदा करने पड़ते हैं, हमने दिए कफारे और शायद और देने भी पड़े, लेकिन इंशाल्लाह हमारी तकदीर, हमारा मुस्तकबिल, हमारा आने वाला वक्त, ये पाक सरजमीन, ये किश्वर हसीन इंशाल्लाह शादबाद रहेगी, ये निशान अज़्म आली शान है, ये अर्ज पाकिस्तान, ये मरकज यकीन शादबाद, इंशाल्लाह इसको कुछ होने वाला नहीं है कि साया खुदाए जुल जलाल है इस पर, इत्मीनान रखिएगा, लेकिन अपने आप को शानदार तकदीर का हिस्सेदार बनाइए। रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड, दैट इज रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ नेशन अकॉर्डिंग टू वेस्ट एंड ईस्ट। तो जहां तक वेस्ट का ताल्लुक है, वहां जब कौम का जिक्र किया जाता है तो वो जबान से, एक खित्ता जमीन से और कल्चर से मिलके, देर आर डिफरेंट थिंग्स विच अमलगमेट एंड देन अ नेशन बिकम्स। बट वेयर एज मुस्लिम्स आर कंसर्न्ड, हमारे लिए खत्ते जमीन, जबान, रंग, नस्ल ताल्लुक नहीं रखती। इसीलिए इकबाल का ही शेर है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर, यानी आपकी नेशन के लिए ये सारी चीजें जो वेस्टर्न नेशन की डेफिनेशन को कंप्लीट करती हैं, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। मुसलमान किसी भी खित्ते का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, कोई भी जबान बोलता हो, कोई भी कल्चर का हो, वो मुसलमान है और वो एक अलग कौम है जिसका बाकी कौमों से मुकाबला नहीं हो सकता। जी जैसा हम एक ख्वाब देखते हैं पाकिस्तान के लिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने कभी चाहा तो ये, और ये बहुत जल्द होगा कि जब इस मुल्क में वो सौलह क्यादत आएगी कि जो उस मिशन और उस मकसद की तकमील करेगी। हम ये ख्वाब देखते हैं कि जिस तरह पहले मुसलमानों की हुकूमतों और खिलाफतों में, खिलाफत उस्मानिया में, एक तरफ टर्किश ब्रिगेड थे, एक तरफ अरब ब्रिगेड थे, एक तरफ अफ्रीकन कोर थी, और पूरी मुसलमान मिल्लत से मुसलमान दस्ते उस फौज में शिरकत करते थे, पार्टिसिपेट करते थे जो उम्मत की आबरू की हिफाजत के लिए पूरी दुनिया में, हर खित्ते में, हर इलाके में मुसलमान मुमलिकत का दिफा करते थे। पूरी मुसलमान सल्तनत में, जो चीन से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक और ऑस्ट्रिया वियना से लेकर यमन तक फैली हुई थी, किसी मुसलमान को वीजे की जरूरत नहीं थी, हर मुसलमान दुनिया के हर इलाके में जिस तरह चाहता था जा सकता था, अपना कारोबार कर सकता था, अपने बच्चों को आबाद कर सकता था, और उसको वही हुकूक मिलते थे जो हर मुसलमान को उस पूरी सल्तनत में मिलते हैं। हम भी ये ख्वाब देखते हैं, अल्लामा इकबाल ने भी ये ख्वाब देखा था, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, जब मगरब यूरोपियन यूनियन बना सकता है, जब सेंट्रल एशियन नेशंस शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप बना सकते हैं, जब अमेरिकन्स नॉर्थ अमेरिकन यूनियन की बात कर रहे हैं, तो हम मुसलमान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम क्यों नहीं बना सकते? हम मुसलमान
और खास तौर पर पाकिस्तान, जब अल्लाह ताला ने हमको बाय डिफॉल्ट एक इस्लामिक न्यूक्लियर पावर बनाया है, यह ताज हमारे सरों पर रखा गया है, यह खुशखबरी हमें सुनाई गई है, तो इसका एक अल्लाह के राजदार राजों में से एक राज यह है कि आइंदा आने वाले दौर में उम्मत मुस्लिमा की क्यादत भी पाकिस्तान के पास आने वाली है। हम हिम्मत करें तो तकदीर लिखी गई है। हम वो वक्त देखते हैं कि जब पाकिस्तान की फौजें सिर्फ पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल नहीं होंगी, हमारे पास भी अरब ब्रिगेड्स होंगे, हमारे पास भी टर्किश ब्रिगेड्स होंगे, हमारे पास भी अफ्रीकन ब्रिगेड्स होंगे, हमारे पास भी सेंट्रल एशियन मुसलमानों की यूनिट्स होंगे। हम पाकिस्तान उन तमाम मुस्लिम ममालिक की इज्जत और आबरू के महाफिज होंगे कि जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाते हुए देखा था। यह तकदीर हमारी है, लिखी चली गई है। हम सिर्फ चूंकि इन ख्वाबों को देखना हमने बंद कर दिया, क्योंकि सिर्फ हम ये सोच में हमें हमारा ईमान मुतजलजल हो गया है, हमारा यकीन हिल गया है। यकीन मोहकम, अमल पहम, मोहब्बत फातह आलम। एक दफा यकीन कर लीजिए कि तकदीर आपकी क्या लिखी हुई है, और फिर उसके लिए जिद्दोजहद ऐसे कीजिए कि शीशा पिलाई हुई दीवार होती है, और फिर मोहब्बत और प्यार से आप देखेंगे इस दुनिया में क्या क्या इनकलाब आप बरतवा करते। लेकिन इसके लिए जो क्यादत आपको चाहिए वो ये नहीं जो आज बैठे हुए हैं, इनमें से किसी के नसीब में कुछ भी नहीं है। निगाह बुलंद, सुखन दल नवाज और जहांपुर सोज, इन्होंने आना है भी, आप में से पैदा होना है। अपने आप को तैयार कीजिए कि अल्लाह ताला आप पर कर्म फरमाए, और ऐसा तैयार कीजिए कि उसको कर्म करते हुए भी लुत्फ आ जाए। व्यूअर्स, क्वेश्चन ट्रांसलेट का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और यहीं से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पीआईए ट्रेनिंग सेंटर में और हम लोगों का क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जारी है। जी प्लीज। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के बनने का मकसद, जो एक नारा मशहूर है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन आज 60 साल से ज्यादा हो गए और हमारे मुल्क में शरीयत का निफाज नहीं हो सका, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो कौन से हर्डल्स हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो सका और ये कैसे मुमकिन हो सकते हैं। देखिए, लोग शरीयत का मतलब ये समझते हैं कि शायद चूंकि शरीयत का जो कॉन्सेप्ट हमारे माशरे में मीडिया के जरिए दिया जाता है वो ये जो सवात में हो रहा है कि हाथ काटे जा रहे हैं, जिबा किया जा रहा है लोगों को, क्या शरीयत इसका नाम तो नहीं है सर? क्या भूखे को खाना खिलाना शरीयत नहीं है? क्या ये शरीयत नहीं है कि एक ऐसा माशी अदल का निजाम हो कि जिसमें पूरी दुनिया में ना कोई सूद और रिबा का निजाम हो, ना बैंकिंग सिस्टम हो, ना पेपर करेंसी हो, और कोई डिवैल्यूएशन ना हो, कोई करेंसी फ्लक्चुएशन ना हो, और इंसानों की तमाम दौलत उनके पास महफूज हो? क्या शरीयत ये नहीं है कि रियासत एक एक शख्स की पेंशन की जिम्मेदार हो, जब वो बूढ़ा हो जाए उसकी इज्जत और आबरू की महाफिज हो? क्या यह शरीयत नहीं है कि सैयदना उमर यह फरमाए कि मैं मदीने में होता हूं लेकिन दजला के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो मैं उसका जिम्मेदार हूं? क्या यह शरीयत नहीं है कि सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में 2-3 साल के अरसे में ऐसे वाकयात हो जाते हैं कि लोग जकात लेकर फिरते हैं और कोई जकात लेने वाला नहीं मिलता? लोगों ने शरीयत का क्या मफहूम समझ लिया है? क्या यह शरीयत नहीं है कि जब एक यहूदी भीख मांग रहा था तो सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला ने उस इलाके के गवर्नर को बुला के डपट देते हैं कि जब यह जवान था तो तुम इससे मजदूरी लेते थे, अब यह गरीब हो गया यह यहूदी तो तुम इसका ध्यान नहीं करते हो, इसके लिए पेंशन मुकर्रर करो। और पहली मर्तबा दुनिया में गैर मुस्लिम अकलियत के लिए पेंशन का सिलसिला शुरू कराया गया। हम लोगों ने गलतियां की हैं और अल्लाह ताला से किए हुए वादे को यकीनन तोड़ा है, उसकी सजा हमें लग रही है कि आज हम जो अल्लाह एहसान जताता है अपनी कौम के ऊपर, लैला फ कुरैशिन इला फ हिम रहला तशताय वसैफ फलियाबुद रब हाजल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुअ वअमन मिन खौफ, कि अल्लाह ने इनको भूख से खाना खिलाया, खौफ से अमन बख्शा, ये एहसानात हैं अल्लाह के। तो जब अल्लाह अजाब में मुब्तला करता है तो लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस खड़ा हो जाता है, इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हो जाता है, हमें खौफ से अमन के बजाय हम खौफ में मुब्तला कर दिए जाते हैं, भूख में खाना खिलाने के बजाय हम माशी क्राइसिस में आ जाते हैं। ये सजाएं हैं, ये आजमाइश है, इम्तहान है, ये अल्लाह की निशानियां हैं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। जो कुछ सवात में हो रहा है इस वक्त वो एक रेबेलियन भी है, एक बगावत भी है इस जुल्म के निजाम की जो इस मुल्क में कायम है पिछले 60 साल से, और 60 साल से कायम नहीं है, 160 साल से कायम है, क्योंकि ये वही कानून है जो अंग्रेजों ने 1860 में बनाए थे। अब वक्त है कि इसको तब्दील किया जाए। ना ये निजाम अदल जो यहां कायम है इंसाफ दे सकता है, ना ये माशी निजाम जो रिबा और सूद और बैंक पर कायम है ये इंसाफ दे सकता है। ये बनाए गए हैं एक जालिम कौम की तरफ से एक मुसलमान कौम को गुलाम रखने के लिए, और जो निजाम चला रहे हैं अगर ये अपने आप को नहीं बदलेंगे तो ये अल्लाह इनको बदलेगा,
या मुसलमानों की तलवारों से इनको ठीक करेगा? होना तो है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी प्लीज। पाकिस्तान की बुनियाद मजहब पे है, तो इस बुनियाद पे अटैक करने के लिए आजकल इसकी क्षेत्र को इतना मस्त किया जा रहा है, लाइक सवाद की आपने मिसाल दी जो लोग हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन मुस्लिम या पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंट्स हैं? थैंक यू। देखिए, जब मुसलमानों में कोई ऐसा ग्रोह पैदा हो जाए जो रियासत के खिलाफ चाहे वो दीन के नाम पर फसाद बर्पा करे या सेकुलरिज्म के नाम पर करे या बलूचिस्तान आजाद कराने के नाम पर करे या पख्तूनिस्तान बनाने के नाम पर करे या शिया और सुन्नी के नाम पर करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे दुश्मनों को। उनको सिर्फ ऐसे मकामी ग्रोह चाहिए जिनको ये सपोर्ट करते हैं और मदद करते हैं इस रियासत के खिलाफ बगावत के लिए, इसको कमजोर करने के लिए। एक बात, एक बेंचमार्क आपको दे देते हैं, एक सिंपल फॉर्मूला आपको दे देते हैं। हुकूमत वक्त गलती कर सकती है मगर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बगावत हराम है। यह पाकिस्तान अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान की उम्मत की आबरू का नाम है। इसने जिस इस पाकिस्तान के जोग्राफिया को कमजोर किया, इसके रिफाज को कमजोर किया, इसकी मईशत को कमजोर किया, इसके मुसलमानों को कत्ल किया, उसकी ना नमाज काम आएगी, ना रोजा, ना हज, ना जकात। और जिस गुनाहगार ने अपना सब कुछ इस पर कुर्बान कर दिया, अल्लाह की खास रहमत में होगा। ये जो कुछ दीन के नाम पर फसाद बर्पा किया जा रहा है वो सिर्फ फितना और फसाद है, और इसको खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है कि रियासत दीन के असल पहलू को, असल चेहरे को, रियासत मुसल्लत नाफिज करे, रियासत प्रेजेंट करे कि इस्लामी फलाही रियासत किसको कहते हैं। अगर रियासत अंग्रेजों के बनाए हुए नापाक सूदी रिबा के निजाम पर चलेगी तो फिर इन दहशतगर्दों को मौका मिलता है कि ये अपनी नापाक हरकतों के लिए दीन का लफ्ज नाम इस्तेमाल कर सके। ये जिम्मेदारी रियासत की है, अदलिया की है, इस मुल्क के दानिश्वरों को, उलमा को, इस मुल्क के मीडिया को, इस मुल्क के हुक्मरानों को अब होश में आना चाहिए। और वो तमाम मुसलमान जो अपनी अपनी जगह पे इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, आप लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट, इस मुल्क पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दें। हम देखना चाहेंगे, आज हम PIA के ऑडिटोरियम में, हम देखना चाहेंगे कि दो साल के अरसे में या इससे भी कम में दुनिया की आला तरीन एयरलाइन PIA को होना चाहिए। इंशाल्लाह होगी और हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। जी, अब लास्ट क्वेश्चन को इस साइड से करेगा जी प्लीज। पाकिस्तान में और इस्लाम के नाम पे बहुत सारे डिस्कशंस तो होते हैं, प्रॉब्लम्स तो डिस्कस किए जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बातें करते हैं, बहुत कुछ बताया जाता है, पूछा जाता है, लेकिन सही गाइडलाइन क्या है? हमें गाइडलाइन कौन देगा, कौन बताएगा व्हाट इज राइट? सही बंदा सही जगह पे, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, इस चीज के बारे में गाइडलाइन कौन देगा, क्या किया जा सकता है? देखिए, दो गाइडलाइंस की बात है यहाँ पे। पहली बात है नजरियाती आइडियोलॉजिकल गाइडलाइंस। पाकिस्तान की नजरियाती और आइडियोलॉजिकल गाइडलाइंस के लिए अल्लामा इकबाल को पढ़िए। देर इज नॉट नो पॉसिबिलिटी कि इकबाल को रिवाइव किए बगैर, इकबाल को जिंदा किए बगैर हम दोबारा अपने मकसद हयात को हासिल कर सके। अल्लाह ताला ने इकबाल का रोल खत्म नहीं किया, कायद आजम का रोल महदूद था, पाकिस्तान बनाकर आप इंतकाल कर गए, मगर इकबाल जिन्होंने कायद आजम को तैयार किया, जिन्होंने उम्मत को तैयार किया, जिन्होंने एक विजन दिया, फिक्र दी, सोच दी, उनका रोल 21वीं सदी में भी उसी तरह कायम है जिस तरह 20वीं सदी में था। बदनसीब होगी ये कौम अगर इकबाल से हमने फायदा ना उठाया। ये नजरियाती डायरेक्शन। और जहां तक इसका ताल्लुक है कि प्रोफेशनली टेक्निकली हम अपने इदारों को दुरुस्त कैसे करें, उसका एक सिंपल आसान फॉर्मूला है, ट्रांसप्लांट्स बंद कर दीजिए। ट्रांसप्लांट्स का मतलब यह है कि पाकिस्तान आर्मी का कमांडर इन चीफ नेवी का सरबरा नहीं हो सकता, इसी तरह नेवी का सरबरा जो है वो एयरफोर्स का चीफ नहीं बन सकता, इस बात के बावजूद कि वो कितने आला तरीन तालीम याफ्ता लोग हैं। इसी तरह जो प्रोफेशनल इदारे हैं इनमें बाहर से ट्रांसप्लांट बंद कर दीजिए। क्या PIA के अंदर अपना कोई शानदार आला तरीन बाकिरदार ऑनेस्ट इंटेग्रिटी वाला प्रोफेशनल ग्रुप ऐसे नहीं मिलता कि जो इसी में से प्रमोट होकर चेयरमैन PIA बनाया जा सके? ट्रांसप्लांट्स करने की क्या जरूरत है? रेलवे का चेयरमैन एक बाहर से शख्स लाके बिठाने की क्या जरूरत है? इदारों को जब तबाह करना हो तो उनमें बाहर से ट्रांसप्लांट्स लाके बिठा दीजिए, वो इदारे तबाह हो जाएंगे। इनको जोड़ने का, इन इदारों को प्रोफेशनल बनाने का तरीका सिर्फ यही है कि आप ही में से लोग उठें, PIA के सरबरा बने। और लेकिन शरायत सिर्फ दो होंगी, ऑनेस्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जब ये दो मामला जितने महकमे और प्रोफेशनल इदारे मुल्क में हैं,
उनके अंदर उन्हीं में से जो अपने मिजाज को जानते हैं, अपने लोगों के साथ 30-30 साल सर्विस की हुई है, उनको बाईपास करके बाहर से एक सियासी अपॉइंटी ला के बिठा दिया जाता है जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो बेड़ा गर्क करके चला जाता है, कोई जवाबदेह नहीं होता किसी को, इदारे ऐसे तबाह होते हैं। इसको दुरुस्त कर लीजिए, अपने अंदर एहतसाब कीजिए, अपने दोस्तों की मदद कीजिए। होता है, प्रेशर्स होते हैं, बच्चों की फीस देनी होती है, घर में बीमारियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा होता बहुत सारी चीजें, आदमी फ्रस्ट्रेट होता, दिल चाहता है करप्शन कर लूं मैं, यही इम्तहान होते हैं। यहीं पे अपने बच्चों को हराम से बचाएं, डोंट फॉल फॉर द ट्रैप। अब खुद भी अपने आप को मजबूत करें, अपने भाइयों साथियों की मदद कीजिए, मेक ज्वाइंट फंड्स विद इन ईच अदर, यूनियंस में जो आपके फंड्स होते हैं कि जिसको मोहताजी है, जरूरत है, कमजोरी है, उसको एक सोशल सिक्योरिटी, एक बेनिफिट दे दीजिए। लोगों को कन्विंस करें कि हराम नहीं खाओ, इस मुल्क से खयानत नहीं करो, ये कल्चर पैदा करना पड़ेगा, ये गुम हो गया है हमसे। हमें अपने मीडिया में, अपने तालीमी इदारों में, अपने दफ्तरों में जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, अगर मोबाइल फोन आपके बीच में से गुम हो जाता हो फिर क्या फायदा। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आला तरीन तालीम याफ्ता बच्चे हैं लेकिन बटुओं में से पैसे गुम जाते हैं, मोबाइल फोन निकल जाते हैं, फिर कहां मोरालिटी, कहां एथिक्स, कहां इखलाकियात, बाकी सब बेकार है। उसके बाद हराम और हलाल की तमीज, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा क्राइसिस क्राइसिस ऑफ मोरालिटी है। बदतरीन नापाक तरीन लोग जिन्होंने इस मुल्क की इज्जत और आबरू बेच के खा गए वो हुक्मरान तो बन जाते हैं, उनका एहतसाब नहीं होता। और जो बदतरीन फसाद करने वाले लोग हैं इस मुल्क में, जिन्होंने मुल्क में बेड़ा गर्क कर दिया फसाद बर्पा करके, कोई जज कोई अदालत जुरत नहीं करता कि उनको सजा सुना सके खौफ के मारे। तो ऐसी अदलिया का हमने क्या करना है और ऐसे हुक्मरानों का हमने क्या करना है। लेकिन याद रखिएगा, इसका मतलब यह नहीं है कि रियासत तबाह की जाए, इस रियासत पर सब कुछ कुर्बान कर दें अपना। इंशाल्लाह तब्दीली आप में से आएगी और खैर के लिए आएगी इंशाल्लाह।